पंचकुला में सीएम नायब सैनी ने पिंजौर मंडी का उद्घाटन किया। ये एशिया की सबसे बड़ी सेब फल और सब्जी मंडी मानी जा रही है। इस मंडी से हरियाणा के किसानों को बड़े पैमाने पर फायदा होगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। मंडी को 14,66,00,000 की लागत से तैयार किया गया है और इसमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हरियाणा लिख रहा विकास की नई गाथा। नायब सैनी की किसानों को बड़ी सौगात। एशिया की सबसे बड़ी मंडी का किया उद्घाटन। नायब सैनी सरकार प्रदेश में हर दिन सौगातों की बौछार कर रही है और इसलिए प्रदेश विकास के नए आयाम को छू रहा है। पंचकुला में सीएम नायब सैनी ने आधुनिक सेब फल और सब्जी मंडी के प्रथम चरण के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी मंडी का उद्घाटन हमारे लिए गर्व की बात है। इस मंडी के बनने से फल और सब्जी के किसानों को बहुत लाभ होगा। कि हमारी सरकार ने जो नई मंडियों के निर्माण के और उनके विस्तार उन्नयन पर 2322 करोड़ रुपए की राशि ये हरियाणा प्रदेश के अंदर वो खर्च की है, मुझे खुशी है ये बताते हुए आप सब लोगों को कि 100 करोड़ रुपए से 14 नई मंडियों के निर्माण व सुधारीकरण का कार्य भी हरियाणा प्रदेश के अंदर ये प्रगति से चल रहा है। गुरुग्राम में भी 25 करोड़ रुपए की लागत से फ्लावर मार्केट उसका भी हम स्थापित करने जा रहे हैं। सिरसा सोनीपत में 35 करोड़ रुपए से मसाला मंडी वो स्थापित की जा रही है। 108 मंडियों को हमने ई नेम से जोड़ा है। एप्पल मंडी और एशिया की सबसे बड़ी मंडी आज उसका उद्घाटन हो रहा है, जिसका लाभ मेरे हिमाचल प्रदेश के जो बागवानी में जो एप्पल की खेती करते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेब की खेती करते हैं, ऐसे सब किसानों को इस मंडी के बनने से फल व सब्जी उत्पादक किसानों को भी इसका बहुत बड़ा लाभ होगा और उनकी आय वो बढ़ेगी। परंतु मैं कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के नेताओं से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में भेदभाव विकास के कार्यों में होता था, उसको भी बताने का काम करें। कितना पैसा आपने गांव के अंदर विकास के लिए खर्च किया है, मुझे खुशी है कि मैं बड़े फख्र के साथ आज इस मन से बता सकता हूं कि जितना विकास हमने कालका का किया है, हमने उतना विकास नारनौल के अंदर जो राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर विधानसभा है उसका भी उतना विकास कार्य किया है। परंतु ये बताने का काम करे कि ये जो भेदभाव बरता जाता था, हरियाणा के लोगों के साथ बरता जाता था, ये क्यों बरता जाता था, इसके बारे में बताने का काम करें। मैं दूसरा ये पूछना चाहता हूं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताने का काम करे, आपकी सरकार में नौकरिये किस आधार के ऊपर दी जाती थी? हमारी सरकार में युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी जाती है, इसके ऊपर भी वो बताने का काम करे। उसने तो रैली भी की कि हम 24 घंटे बिजली देंगे और उसने अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी लिखा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। 10 वर्षों के अंदर कितने गांव के अंदर 24 घंटे बिजली दी, ये भी बताने का काम करे। हम बताने का काम करते हैं कि हमारी सरकार ने 10 वर्षों में कितने गांव के अंदर आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। किसानों को बड़ा उपहार, 78 एकड़ में मंडी का निर्माण, 220 करोड़ रुपए की आएगी लागत, मंडी में होंगी 70 दुकानें, दुकानों की ई नीलामी शुरू की गई, मंडी में आधुनिक सुविधाएं होंगी उपलब्ध, मंडी से दूसरे राज्य के बागवानों को होगा फायदा, दिल्ली जाने वाले बागवान अब हरियाणा आएंगे,
मंडी में मार्केट फीस 1% से घटाकर 0.5% की। नायब सैनी सरकार में प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र का समान रूप से विकास हो रहा है। सीएम ने पंचकुला में एशिया की सबसे बड़ी मंडी का उद्घाटन कर किसानों को एक बड़ा उपहार दिया है। हरियाणा के किसान अब अपनी फसलें यहीं बेच सकेंगे और दिल्ली जाने वाले बागवान भी हरियाणा आएंगे।